नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे अमेजोन में रहने वाले कुछ खतरनाक जानवरों के बारे में। मित्रों, अमेजोन जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है। यह इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन तो यह अकेला ही उत्पन्न करता है, और इसलिए अमेजोन जंगल को पृथ्वी का हार्ट भी बोला जाता है। अमेजोन जंगल इतना घना है कि वहाँ जमीन पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। इस बात से आप पता लगा सकते हो कि जंगल कितना खतरनाक होगा और अमेजोन जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते होंगे। तो चलिए जानते हैं अमेजोन जंगल में रहने वाले कुछ खतरनाक जीवों के बारे में। शुरुआत में हम उसे लेते हैं जिसका काटना किसी बंदूक की गोली लगने के बराबर है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं बुलेट आंट यानी कि बुलेट चींटी के बारे में। बुलेट चींटी आपको दिखने में भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन इसके छोटे कद के झलावे में आकर इसकी ताकत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि ये चींटी दिखने में एक साधारण चींटी की तरह ही दिखती है, पर इसका काटना किसी बंदूक की गोली की तरह है, इसलिए शायद इस चींटी का नाम बुलेट चींटी रखा गया है। यह चींटी अमेजोन के वर्षा वन के साथ साथ मध्य और दक्षिण अफ्रीका में भी पाई जाती है। हालांकि इन चींटियों के काटने पर मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, लेकिन इसका डंक बंदूक से निकली गोली जितना दर्द देता है, और यह दर्द 24 घंटे तक रह सकता है। इसलिए अगर आपको अमेजोन जंगल में कहीं बुलेट चींटी दिखे तो उससे दूरी बनाकर ही रखें। चलिए बात करते हैं राक्षस जैसे दिखने वाली मछली यानी कि पिराना मछली के बारे में। अमेजोन नदी के आसपास में रहने वाले आदिवासियों के हिसाब से यह मछली उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। एक रिसर्च के अनुसार पिराना मछली द्वारा किए गए 30 हमलों में से एक मनुष्य की मृत्यु तो हो ही जाती है। पिराना मछली को हमने आमतौर पर फिल्मों में तथा टीवी में देखा ही होगा। इसे एक खतरनाक शिकारी भी माना जाता है। हालांकि यह मछली मनुष्यों का शिकार नहीं करती, परंतु लाल रंग के पेट वाली यह पिराना मछली मनुष्यों का शिकार करने से पीछे भी नहीं हटती है। यह मछली अपने मजबूत जबड़ों और नुकीले दांतों की वजह से प्रचलित है। ज्यादातर यह मरे हुए प्राणी को खाती है और पानी में ताजे खून की खुशबू आते ही उसका शिकार कर लेती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आपने कई फिल्मों में देखा और सुना होगा। इस प्राणी का नाम है ग्रीन एनाकोंडा। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एनाकोंडा कितना खतरनाक है, इसके ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी है जिसमें आप इसका खतरनाक स्वरूप देख सकते हो। एनाकोंडा भी अमेजोन जंगल में रहने वाला खतरनाक जीव है, जिसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है तथा इसकी मोटाई 12 इंच से भी अधिक हो सकती है। एनाकोंडा जहरीला सांप नहीं है, लेकिन वह अपने शिकार को इससे भी खतरनाक मौत देता है। आमतौर पर यह शिकार की गर्दन को निशाना बनाता है और फिर चारों ओर कुंडली बनाकर उसे मारकर सीधा पेट के अंदर निगल लेता है। यह धरती पर इतने फुर्तीले नहीं होते जितने कि पानी में। यह पानी में या फिर दलदल में घात लगाकर शिकार करते हैं। अब बढ़ते हैं अमेजन वर्षा वन के सबसे खतरनाक शिकारी की ओर, जिसका नाम है ब्लैक कैमन। ब्लैक कैमन मगरमच्छ की एक प्रजाति है। ज्यादातर यह जीव कम पानी के बहुत बहाव वाले इलाके और अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ब्लैक कैमन को अमेजन जंगल का सबसे बड़ा शिकारी भी माना जाता है। ज्यादातर यह मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा कोई भी पक्षी या स्तनधारी जीव भी अगर इसके इलाके में आ जाए तो वह उसे भी जीवित नहीं छोड़ता है। ब्लैक कैमन ने जनवरी 2008 से लेकर अक्टूबर 2023 तक तकरीबन 43 लोगों की जान ली थी। यह कई बार एनाकोंडा से भी भिड़ जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेजोन जंगल में एक गर्म पानी की नदी भी है। जी हाँ दोस्तों, बॉइल्ड वाटर रिवर। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में खतरनाक नदी बहती है जिसका तापमान 45 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक होता है, यानी कि इस नदी का पानी आपको उबलता हुआ नजर आएगा। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि अगर गलती से भी आप इस पानी में गिर गए तो कुछ ही सेकेंड्स में आपका भर्ता बनना निश्चित है। नदी के आसपास रहने वाले कुछ आदिवासी लोगों में किसी की मृत्यु हो जाए तो वह उसे जलाते या दफनाते नहीं है, बस उसे इस उबलती हुई नदी में फेंक देते हैं। कई लोग इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले जीव की ओर, अमेजोनियन जॉइंट सेंटीपीड। अमेजोनियन जॉइंट सेंटीपीड अमेजन रेन फॉरेस्ट का एक प्रचलित कीड़ा है। यह जीव भारत में दिखने वाले कन खजूर की एक प्रजाति है। सेंटीपीड खास करके इसके बड़े आकार और ढेर सारे दिखने वाले पैरों की वजह से प्रचलित है। अमेजोन जॉइंट सेंटीपीड लंबाई में लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है। यह जीव भूख लगने पर हर किसी को अपना शिकार बना लेता है। वह अपने से छोटे जीव जैसे कि कीड़े, मकड़ी, तितलियां और भी बहुत सारे जीवों को शिकार बनाता है।
कई बार तो यह सांपों और मेंढकों को भी नहीं छोड़ता है। ज्यादातर अमेजोनियन जायंट पिट रात को अपना शिकार ढूंढते हैं और इसलिए उनका सामना इंसानों से नहीं होता, लेकिन अगर वह इंसानों को काट लेते हैं तो इसके कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि तीव्र जलन, दुखाव के साथ साथ और भी कई सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। अगला खतरनाक जीव पर दिखने में बहुत प्यारा, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। वीडियो में दिख रहा है यह मेंढक भले ही आपको खूबसूरत दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में जितना आपको यह अच्छा दिख रहा है उतना ही खतरनाक भी है। अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले इस मेंढक के जहर में एक साथ 10 लोगों को मारने की क्षमता होती है। यह जहरीले मेंढक अलग अलग रंग के हो सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 120 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। खास करके जहरीले मेंढक बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं। वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग तथा घूमने जाने वाले लोग हमेशा इस जीव से दूरी रखते हैं। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो इनसे दूर रहने में ही भलाई है। अगली जीव है ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर। ब्राजीलियन मकड़ी को दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी भी कहा जाता है। इस मकड़ी के वैज्ञानिक नाम फोनोट्रिया का अर्थ जहरीला ही होता है। इस मकड़ी को भटकती मकड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मकड़ी रात के समय जाला बनाती है और फिर जंगल में भटकती रहती है। इस मकड़ी का जहर जैसे ही हमारे शरीर में जाता है वैसे ही तीव्र दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और शिकार की मृत्यु हो जाती है। यह मकड़ियाँ ज़्यादातर अमेज़न जंगलों में पाई जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अब एक पक्षी के बारे में, हार्पी ईगल यानी कि हार्पी गरुड़। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक खतरनाक ईगल पाया जाता है। यह ईगल बहुत फुर्तीला और अपने वजन से 2 गुना वजन अपने पंजे में लेकर उड़ने की क्षमता रखता है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है, सिर्फ पंख की लंबाई ही 3 फीट के करीब होती है तथा इसका वजन 5 से 6 किलो तक होता है। ज्यादातर यह बंदरों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। बात करते हैं करंट पैदा करने वाली मछली यानी कि इलेक्ट्रिक ईल के बारे में। अमेज़न जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों की लिस्ट में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प अमेज़न जंगल के नदियों में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल लगती है। इसके पीछे भी एक कारण है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस मछली की लंबाई 2 मीटर से लगाकर 2.5 मीटर तक होती है। इलेक्ट्रिक ईल मछली अपने शिकार को मारने के लिए एकदम कड़क बिजली का उपयोग करती है और खास बात यह है कि वो बिजली खुद बनाती है। यह मछली 600 वोल्ट जितना करंट छोड़ती है। इतना करंट काफी है किसी इंसान की सांसों को रोकने के लिए और चंद सेकंड में मौत के घाट उतारने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के सबसे आखिरी लेकिन टॉप शिकारी के बारे में। शेर और बाघ के बाद जगुआर बिल्ली प्रजाति का तीसरा सबसे बड़ा जीव है। जगुआर अमेज़न जंगल में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह जीव काफी ज्यादा फुर्तीला और शातिर होता है। अपने शिकार को सिर्फ एक ही पंजे में उसे मौत के घाट उतारने की क्षमता रखता है। अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करके यह जीव अपने शिकार के गले पर वार करके उसे कमजोर कर देता है और फिर अपना भोजन बना लेता है। हिरण, ब्लैक कैमन और जंगली कुत्ते इनका शिकार होते हैं। कई बार इंसानों पर भी हमला करने की कहानी सामने आती है, इसलिए सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।